बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद है। आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, और जो नए आने वाले हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुँच जाया करें। आज किचन विद हूर में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाला अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप ज़्यादा देर तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत होगी उसकी तरफ चलते हैं वीडियो को ना लंबा करते हुए। तो आपको मैं बताती चलूँ, ये हमारे पास से 5 किलो कैरीज हैं। ठीक है, इसको हमने लंबा लंबा बारीक काट लिया, इसकी गुटरियाँ निकाल ली हैं। ये 6 किलो थी, अब ये काट के ये 4 किलो, इसका मैनेजमेंट 4 किलो रह गया। ठीक है, इसकी क्योंकि इसमें गुटरियाँ निकाली हैं और इनको बारीक इस तरीके से कट की है। ठीक है, और हमारे पास ले ये नींबू है, ये 2 किलो नींबू है। ठीक है, और ये हमारे पास 2 किलो ही सब्ज़ मिर्च है। ठीक है, और ये इसमें कुछ मसाला जाता है। ठीक है, तो जैसे लाल मिर्च है, हल्दी, सिरका और नमक, और ये जो अचार का मसाला होता है ये 2-2 टेबल स्पून है, कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने 2-2 टेबल स्पून के मैनेजमेंट के हिसाब से रखे। और ये सरसों का ऑयल है। ठीक है, ये मेरी अम्मी बनाएंगी और अभी आपके साथ बनाना जब ये वीडियो बनाती हुए आपके साथ शेयर करेंगी कि किस तरीके से इनकी मिक्सिंग करनी है और इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा। अब हमने बड़ा सा एक पतीला लिया है, उसमें हमने ये कैरी जो है सारी ऐड कर दी है। ठीक है, साथ ही हमने लेमन ऐड कर दिए हैं। लेमन की थोड़ा थोड़ा हमने इसको निचोड़ लिया है क्योंकि वो ज़्यादा खटास ना आए। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग कर रही हैं। अब साथ ही हमने इसके अंदर सब्ज मिर्च भी ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, वो जो हमने सारी मिक्सिंग कर दी, मगर वो बॉल जो है छोटा पड़ रहा था। ठीक है, इसमें क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगी एक सिरके की हाफ बोतल, यानी कि इसमें से सिर्फ जो फुल बड़ी सिरके की बोतल होती है ना वो है, तो इसमें सिर्फ 1 कप हमने निकाला है। ठीक है, अब इसमें सिरका ऐड होने लगा। ये देखें ये निकाला और ये बाकी है। ये सिरका ऐड हो गया। अब इसमें ये आधा पाव मिर्च। या आप उसे तेज भी करनी चाहें। हाँ जी, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में इतना ही तीखा खाया जाता है तो हम इसको इतना ही। और ये हल्दी है कितनी है माजी, कितनी है? 3 टेबल स्पून। और ये नमक टूटो चॉइस है, ये भी आप, मगर ये हम इसमें हाफ प्याली हम इसमें नमक ऐड करेंगे, यानी कि ये हो गई, ये देखिए जैसे एक मुट्ठी बढ़ के, बड़ी ज़्यादा मुट्ठी होती है ना वो बढ़ के, ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग हो जाए, फिर दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग की बस आपने गौर करना है, इसकी मिक्सिंग अच्छी सी होनी चाहिए। अब इसकी मिक्सिंग हो गई, अब इसमें वो ड्राई रोस्टर जो मसाले होते हैं वो अचार के वो ऐड करेंगे। देखिए ये मसाला सारा अचार का जो है ना हमने मिक्स कर दिया, जैसे नमक और मिर्च हल्दी वगैरह से मिक्स कर दिया। ठीक है, और सिरका ऐड करके इसको एक रात आपने पड़ा रहने देना। अब इसको कवर करके हम रख देंगे। ठीक है, अगला प्रोसीजर जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कि अगर फिर हमने दूसरा जो उसका तीसरा स्टेप है वो हमने क्या करना है।
ये देखिए व्यूवर्स, हमने अब इसको सारी मिक्सिंग कर ली थी। मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसे बड़े से पतीली में ऐड कर दिया है। अब इसको हमने कवर कर देना, रात के लिए ये पड़ा रहेगा। बाकी जो चीज़ें इसमें डलेंगी, उसमें क्या कितना ऑयल डलेगा, ये हम उस आपको मतलब कि जब ये रात पड़ा रहेगा, अगले दिन जब हम बनाने लगेंगे फिर हम आपको ये भी शेयर करेंगे। ये देखिए अब ये देखिए इसमें तेल डलने लगा, ठीक है। ये हाफ लीटर, एक लीटर नहीं, एक लीटर इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे, हाफ करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हाफ आधा लीटर डालेंगे। ये देखें गुंदा आटा, ठीक है। ये तेल कड़क गया, इसमें डालना है। तेल जोड़ा बन जाएगा, ये तेल बनाने के लिए होता है। ये तेल बनेगा कि कच्चा नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा गुंदा आटा था, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपने लेना है, जो गमिया हम गेहूँ के आटा गूंदते हैं ना, रोटी बनाते हैं, ठीक है। ये तेल कड़क करने के लिए हमें थोड़ा सा तेल के अंदर हमें डाल, तैयार हो जाएगा, देसी घी बन जाता है, ऐसे हो जाएगा जैसे देसी घी, कच्चापन खत्म हो जाएगा तेल का। जब ये आटा जो हो जाएगा ना गोल्डन कलर का, ठीक है ना, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें अब हम इसमें अचार जो हमने काटा हुआ था सारा रखा हुआ है। ये देखिए अभी तेल की अभी अचार की ना बुनाई हो रही है, इसमें हमें आधा वाइट चने और उबाल के ना वो भी डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से होगी,